हैदराबाद से बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी माधवी लता एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल उन्होंने महिला वोटरों को अपना बुर्का हटाने के लिए मजबूर किया ताकि वो वोटर आईडी से चेहरे का मिलान कर सके। माधवी लता का कहना है कि वो उम्मीदवार हैं और कानून के मुताबिक उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना आईडी कार्ड की जाँच करने का अधिकार है, लेकिन इस पर विवाद छिड़ गया और मलकपेट पुलिस स्टेशन में माधवी लता पर कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया। 500 मीटर के दूर पे बिना कोई सिंबल के हमारे एजेंट्स बैठकर छोटा सा स्लिप्स दे रहे थे 500 मीटर पोलिंग बूथ से दूर। होना बोल के ज्यादती करके लेके आए है। यहाँ का पुलिस का जुलुम है हमारे ऊपर। हालांकि माधवी लता ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि वो पुरुष नहीं महिला हैं और उन्होंने काफी विनम्रता के साथ निवेदन किया कि वो आईडी कार्ड के साथ महिलाओं को देखना चाहती हैं। माधवी के मुताबिक अगर कोई इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि वो डरा हुआ है। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड without the face mask. I'm not a male, I'm a female, and with lot of humbleness, I've only requested them, can I please see and verify with the ID card. हैदराबाद के आजमपुर में पोलिंग बूथ संख्या 122 पर पहुंची माधवी लता ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि कई मतदाताओं के नाम इससे हटा दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां सीनियर सिटीजन मतदाता आ तो रहे हैं लेकिन उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। माधवी लता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। पुलिस द्वारा कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता मंगलहाट पुलिस स्टेशन पहुंची। माधवी लता का इससे पहले भी एक विवादित वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर उन पर FIR दर्ज की गई थी। वीडियो में उन पर एक जुलूस के दौरान एक पूजा स्थल पर काल्पनिक तीर चलाने का आरोप लगा था। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने के मामले में उन पर केस दर्ज किया गया था। हालांकि वीडियो पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए माधवी लता ने खुद कहा, नकारात्मकता पैदा करने के लिए इसे प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो वो माफी मांगना चाहती हैं क्योंकि वो सभी धर्म के व्यक्तियों का सम्मान करती हैं। हमारा वीडियो गलत दिखाकर, जो सही वीडियो था उसको ना लेते हुए गलत वीडियो दिखाकर इन्होंने मस्जिद के ऊपर उन फिर वो भी पूरा पुकार क्या बोलते ने पब्लिसिटी बनाकर लोगों को भड़का रहे, बच्चों को देखो ऐसा होता वैसा होता, ये नहीं मिलता तुमको, वो नहीं मिलता, हमको ये होना पड़ेगा। कौन सी एकता के बारे में बात कर रहे हैं? इन्हों मेरा तीर चलाने पर जहाँ पे फ्रेम में कहीं पे भी मस्जिद नहीं था, कोई भी एंगल के फ्रेम में मस्जिद नहीं था, मस्जिद की तरफ पैन करके दिखाकर ये लोग क्या करे, इसको गलत सर्कुलेट करे, उसको उसके ऊपर फिर वोट मांग रहे, वो भी कम्युनल तो ही था, तो ये बारे में हम लोग कंप्लेंट नहीं करें। माधवी लता बीजेपी उम्मीदवार बनने से थोड़ा पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। वो एक भरतनाट्यम डांसर है और सोशल वर्कर है। हैदराबाद के विरिंची अस्पताल की वो चेयरपर्सन है। वो लतामा फाउंडेशन और लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं। माधवी लता मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और भारतीय संस्कृति को लेकर प्रवचन देती हैं। पसमानदा मुसलमान महिलाओं के लिए उन्होंने काफी काम किया है और 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार के पक्ष में उन्होंने अभियान चलाया था।